कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब। अगर आप भी अपने गूगल क्रोम से किसी भी फाइल को या फिर किसी भी चीज़ को फास्ट स्पीड में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप क्रोम से किसी भी चीज़ को फास्ट स्पीड से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप अगर क्रोम से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर स्पीड बहुत ही कम आती है। हाँ, कभी कभी अच्छी आ जाती है लेकिन ज़्यादातर कमी स्पीड आती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ को डाउनलोड होने में। लेकिन इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उसे जैसे आप लगा लेते हैं उसके बाद आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लिए लाइक। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैं जो आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो आपको करना है और वीडियो बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है और यहाँ पर लिखना है आपको क्रोम, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे भी यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख देख के लिख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप लिख देते हैं इसको आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च कर देते हैं कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी सेटिंग्स आपके सामने आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर सर्च बार दिया हुआ है, सर्च बार में आपको क्या लिख के सर्च करना है, यहाँ पर आपको लिखना है पैरेलल डाउनलोडिंग। जैसे कि ये वाला ऑप्शन आ भी चुका है, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये सेट हुआ है डिफ़ॉल्ट, इस पर आपको क्लिक करना है डिफ़ॉल्ट पे। अब यहाँ के आपके तीन ऑप्शन आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट, इनेबल्ड और डिसेबल्ड। तो आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देते हैं उसके बाद नीचे आपको रिलॉन्च का ऑप्शन आएगा, आपको रिलॉन्च पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद ये रिलॉन्च होगा, मतलब दोबारा ओपन होगा क्रोम और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल्ड लिखा आ चुका है, इनेबल हो चुका है। अब अगर आप कोई भी चीज़ क्रोम से डाउनलोड करोगे तो आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ही दिया आपकी कोई भी चीज़ डाउनलोड हो जाए। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। जैसे कि हम डाउनलोड्स में जाते हैं, डाउनलोड्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं एक चीज़ मैंने डाउनलोड की थी। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं आप देख सकते हैं इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए 5 MB, 7 MB, 11 MB, बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो चुकी है और ये डाउनलोड भी हो गया 21 MB का, आपके सामने 22 MB का कितनी जल्दी डाउनलोड हो गया। सो ये एक ट्रिक जिसको कि आप अपना कर किसी भी बड़ी चीज़ को बहुत ही जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो।